केरल के एर्नाकुलम में ईसाई सम्मेलन के दौरान धार्मिक सभा में बम धमाके के बाद राज्य से लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। मामले में एनआईए की टीम मौके के लिए रवाना भी हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मामले में एक्टिव हो चुके हैं। प्रार्थना सभा में हुए 3 धमाके आईईडी ब्लास्ट से किए गए थे। इसमें 1 शख्स की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस धमाके के तार हमास से जोड़े जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही केरल में एक सभा को हमास के आतंकवादी खालिद मिसाल ने ऑनलाइन संबोधित किया था। इस धमाके पर अब राजनेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल के ईसाई सम्मेलन में रविवार सुबह एक धार्मिक सभा में विस्फोट की खबरों पर हैरानी और निराशा व्यक्त की। घटना की निंदा करते हुए तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा, केरल को हत्या और विनाश की मानसिकता का शिकार होते देखना दुखद है। थरूर ने ट्वीट किया, मैं सभी धार्मिक नेताओं से इस तरह की बर्बरता की निंदा करने के लिए एकजुट होने और अपने अनुयायियों को ये सिखाने का आग्रह करता हूँ कि हिंसा और कुछ नहीं बल्कि अधिक हिंसा को जन्म देती है। मामले को लेकर देश भर से रिएक्शन आ रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मामले को लेकर दुख जताया और एक अंदाज में केंद्र सरकार पर तंज भी कसा। ये देश के किसी भी इलाके में इस तरीके की घटना हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब लोगों की जो संवेदना है वो इस ब्लास्ट में घायल हुए लोगों के साथ है, उनके परिवारों के साथ है। जिनकी जान गई है उनके परिवार के लोगों के साथ हमारी संवेदना है और इस तरीके की वारदातों को रोकना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी कमाल करती है, जब प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन और रशिया की पूरी लड़ाई रुकवा दी, जो पूरी दुनिया देख रही थी और मोदी जी ने वो लड़ाई रुकवा दी। ये छोटे मोटे हमास को नहीं संभाल सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं। मैं नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत छोटी सी चीज है, जब चाहे वो ये कर सकते हैं। बता दें, कन्वेंशन सेंटर में कम से कम 3 विस्फोट हुए जहां एक महिला की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि स्थिति पर गंभीरता से नजर बनाई रखी गई है। केरल के डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारी कल्ला मिसारी में विस्फोट स्थल पर जा रहे हैं। विजयन ने कहा है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विजयन से बात की और स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने एनआईए और एनएसजी को भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, कन्वेंशन सेंटर में मौजूद लोगों ने मीडिया को बताया कि पहला धमाका प्रार्थना के बीच हुआ। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने विस्फोट के मद्देनजर सरकारी स्वास्थ्य पेशेवरों से ड्यूटी पर आने का आग्रह किया है। केंद्र में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि घटना के समय हॉल के अंदर 2000 से अधिक लोग मौजूद थे। 27 अक्टूबर को हुई 3 दिवसीय बैठक का रविवार को आखिरी दिन था।